हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। आज की वीडियो में हम एनपीओ चैप्टर से एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, कंज्यूमेबल आइटम। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है मेडिसिन का 1 लाख रुपीज, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 90,000, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ फॉर मेडिसिन 1,30,000। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कितना आइटम आपने, कितनी मेडिसिन इस साल आपने कंज्यूम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैश परचेज तो गिवन है, लेकिन आपने कितनी क्रेडिट परचेज की है वो मिसिंग है। तो इसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा पहले स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। एक आप बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, स्टॉक हमारी एसेट से डेबिट से बढ़ेगी और क्रेडिट से घटेगी। क्रेडिट से हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट से इंक्रीज होगी और डेबिट से डिक्रीज होगी। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2, बैलेंस बीडी 1 लाख रुपी। इसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर्स बाय बैलेंस बीडी 90,000। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आइटम गिवन है हम अकाउंट में डाल रहे हैं और बैलेंसिंग फिगर से अपना आंसर निकाल लेंगे। कैश परचेज, इस साल हमने कैश परचेज किया है तो टू कैश 3 लाख रुपीज की हमने मेडिसिन परचेज किए कैश। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन बाय बैलेंस सीडी 1,50,000 रुपी, और हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 2, बैलेंस कैरी डाउन 1,30,000 रुपी के। तो देखिए, हमारे पास ओपनिंग में थे 90,000 रुपीज के क्रेडिटर्स और क्लोजिंग में है 1,30,000 के। तो इसका मतलब हमने 40,000 की और परचेज कर ली। तो बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसको बंद कर देंगे अकाउंट को, 130। स्टॉक हमारे पास था पहले से 1 लाख रुपए का, 3 लाख की हमने कैश परचेज की और हमने उधार परचेज की 40,000 रुपीज की। तो 2, क्रेडिटर्स 40,000। हम ये यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं। 1 लाख का स्टॉक पहले था और 340 का हमने परचेज किया, तो अब हमारे पास स्टॉक हो गया 4,40,000 रुपीज का। इसमें से हमारे पास जो बचा वो बचा 1,50,000 का, बाकी हमने कंज्यूम कर लिया। तो 1,440 में से आप 150 माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा 2,90,000। तो हमने ये कंज्यूम कर लिया, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यही हमारा आंसर है। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।